नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को C++ में आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स हम कितने तरह से पास कर सकते हैं बेसिकली। सो आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक की जब हम बात कर रहे हैं, वी कैन पास आर्ग्यूमेंट्स इन फॉलोइंग 3 मैकेनिज्म्स इन C++। बेसिकली तीन तरीकों से या तीन टाइप से हम C++ में आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन कॉल करते समय पास कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू। ध्यान रखिएगा, इस आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू टेक्निक को ही कॉल बाय वैल्यू भी कहते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपसे आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू की बजाय ऐसे पूछ ले कि भाई फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू क्या है, तो दोनों सेम चीज को डिनोट करती है। दूसरी जो हमारे पास टेक्निक आती है, दैट इज आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय एड्रेस। या एड्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा पॉइंटर की यहाँ पे चर्चा होगी। सो इसी को ही कॉल बाय एड्रेस भी कहते हैं। देखिएगा, सी में इस कॉल बाय एड्रेस को ही कॉल बाय रेफरेंस कहा जा रहा था, है ना। पॉइंटर के केस को ही वहां पे कॉल बाय रेफरेंस से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन C++ में रेफरेंस खुद अलग से हमारे पास में एक टॉपिक है ना, इसलिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस जो है वो थर्ड टाइप है। और आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस को कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स, कुछ राइटर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट पासिंग रेफरेंस, पासिंग बाय रेफरेंस जो है वो दो टाइप से होता है, एक पॉइंटर से और एक रेफरेंस वेरिएबल से। तो ठीक है, वो भी अपनी जगह, सबका अपना अपना बोलने का एक तरीका है, बताने का एक तरीका है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू को। अब आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिकली जब भी हम आर्ग्यूमेंट पासिंग की बात करते हैं। पहली चीज़ है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दूसरी चीज़ होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, और तीसरी चीज़ होती है कि अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे कोई इफेक्ट जाता है या नहीं जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू। आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू में जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, यानी फंक्शन को कॉल करते समय जो हम लिखते हैं, पास करते हैं, भेजते हैं, वो जो है वो क्या होंगे, वो वेरिएबल हो सकते हैं या वैल्यू भी हो सकते हैं डायरेक्टली। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो होंगे कॉल बाय वैल्यू में, वो हमेशा वेरिएबल होंगे। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहाँ होते हैं भाई बच्चों? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उसके पैरेंथेसिस में, छोटे वाले ब्रैकेट्स के बीच में लिखे होते हैं। व्हेन वी कॉल द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाकर के कॉपी होती है। If we make any change in formal argument, then actual argument is not affected. Call by value technique में अगर हमने formal argument की value को function definition में change किया तो उससे actual argument की value change नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की अलग अलग location है। तो आइए इसको हम as an example देखते हैं। Developer C++ मैंने start किया, new file हम create कर लेते हैं। Now हैश इंक्लूड आई यूज स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया void change, एक इसमें इंटीजर n ले लिया हमने, फाइन गाइज। और अभी डेफिनेशन भी देते हैं, उससे पहले मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ। देखिए, इस मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर एक्स, एक्स की वैल्यू हमने कर दी इनिशियली भाई 100, फाइन। एंड हमने प्रिंट करवा दिया एक्स की वैल्यू को फंक्शन को कॉल करने से पहले, एक्स इज, एंड ये एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ हमने कॉल किया चेंज को, एक्स को हमने एज ए आर्ग्यूमेंट लिख दिया। अब देखिए एक्स यहां पे क्या है कॉल करते टाइम पर बच्चों, वेरिएबल है ना, और इसको बोलेंगे क्या हम, कॉल बाय वैल्यू टेक्निक। नाउ चेंज कॉल करने के बाद हमने फिर से एक्स को प्रिंट कराया,
एक्स की वैल्यू मेन में 100 ही प्रिंट होगी फिर से। नाउ मैं क्या करता हूँ, चेंज के अंदर यहां पर एन की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, एंड एन की वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 1000, और उसके बाद एन की वैल्यू मैं फिर से प्रिंट करवा दे रहा हूँ। देखिए फ्लो क्या बनेगा, सबसे पहले जब एग्जीक्यूट करेंगे मेन फंक्शन में आएगा, एक्स एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यू 100 है। नाउ एक्स की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी तो 100 प्रिंट हो जाएगी। नाउ चेंज फंक्शन कॉल हुआ, एक्स वेरिएबल है जो मेन में बना हुआ है, इसकी वैल्यू इस एन वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। एन जो वेरिएबल है वो किस में बना हुआ है, चेंज फंक्शन में बना हुआ है। नाउ एन की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे एन की वही वैल्यू प्रिंट होगी अभी तो लाइन नंबर 4 पे, जो कि मेन फंक्शन से एक्स के अंदर से आई थी, दैट इज 100। उसके बाद हमने एन को कर दिया है 1000, फाइन। तो एन वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन मेन में जो एक्स है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दोनों की अलग अलग लोकेशन है, दोनों अलग अलग मेमोरी पे हैं। देन हमने एन को प्रिंट कराया तो 1000, फिर ये फंक्शन खत्म हो रहा है, वापस कहाँ आएगा भाई, मेन के अंदर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो प्रिंट होएगी तो स्टिल इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऊपर एन की वैल्यू 1000 होगी चेंज होके, लेकिन मेन में चेंजेस एक्स के अंदर नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, कॉल बाय वैल्यू में यही होगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग इसे, फाइन गाइज, यही बताया था मैंने आपको। नाउ गाइज हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप है हमारे पास में कॉल बाय एड्रेस या आर्गुमेंट पासिंग बाय एड्रेस। सो इसे हम देखते हैं अभी। आर्गुमेंट पासिंग बाय एड्रेस टेक्निक की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है एक्चुअल आर्गुमेंट जो है वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट जो है वो पॉइंटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि एड्रेस को अगर आपको स्टोर करना है तो उसे किस में स्टोर करेंगे आप, हमेशा पॉइंटर में। When we call the function, the address of variable is passed as actual argument and the address is stored into formal argument pointer. जब हम function को call करेंगे तो actual argument वाले variable का address हम भेजते हैं और वह address formal argument में जो pointer हमने बनाया उसमें आगे store होता है। If we make any change in formal argument, then actual argument is affected. चूंकि यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉइंटर है और उसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का ही एड्रेस स्टोर हो रहा है, दैट्स वाई अगर उस पॉइंटर को हम मैनिपुलेट करेंगे तो डेफिनेटली जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू भी इफेक्ट करेगी, प्रभावित होगी, चेंज हो जाएगी। नाउ इसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं यही सेम कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, न्यू फाइल के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए अब मैंने जब चेंज को यहाँ पे कॉल किया तो एक्स को भेजने की बजाय मैंने एक्स के पहले लगा दिया एंड एक्स, तो जब चेंज कॉल हो रहा है तो एक्स का एड्रेस पास हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा तरीका हो गया, कॉल बाय एड्रेस। कॉल करते टाइम पर हम क्या भेज रहे हैं, एड्रेस भेज रहे हैं। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ, अभी ये एरर है ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करूंगा, एरर आ जाएगी। आई एरर क्यों, क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं लेकिन ऊपर पॉइंटर नहीं है, अभी वेरिएबल है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, पॉइंटर। हमने पॉइंटर बना दिया, नाउ वैल्यू जब प्रिंट कराई स्टार एन, चेंज किया स्टार एन में एंड यहाँ पे भी स्टार एन, तो अब जब एग्जीक्यूट करेंगे मेन में आएगा एक्स बनेगा, एक्स की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी 100, देन चेंज कॉल हुआ, एक्स का एड्रेस पास हुआ, वो एन पॉइंटर में जाके स्टोर हो गया। स्टार एन का मतलब क्या हो गया, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स, वहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी थी 100, नाउ हमने स्टार एन बराबर कर दिया 1000, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी, कितनी होगी 1000। नाउ स्टार एन से एक्सेस करेंगे तो 1000, और मेन में जाकर के जब एक्स को एक्सेस करेगा अभी तो वहाँ पे भी क्या आएगी 1000। लेट्स सी, इसको हमने कंपाइल एंड रन कर लिया, ठीक है गाइज, एक्स इज 100, एन इज 100, एन इज 1000, एक्स इज 1000। जबकि देखो जो ये कॉल बाई वैल्यू वाला था इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिएगा इसको जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे, ये देखिए ये मैंने करा इसे एग्जीक्यूट, कितना आ रहा है, एक्स इज 100, एन इज 100, एन इज 1000, एन चेंज हो गया है लेकिन एक्स चेंज नहीं हुआ, ये कॉल बाई वैल्यू वाला था, ये आर्ग्यूमेंट पासिंग बाई वैल्यू वाला,
और ये अपने पास में था आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय एड्रेस वाला। इसके अंदर देखिए एक्स 100 एन 100, एन को चेंज किया 1000, देन एक्स को चेंज, एक्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 1000। सो गाइज इसके बाद हम तीसरा टाइप देखते हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग का, दैट इज आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। सो आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस में क्या होगा, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो क्या होंगे भाई, हमारे वेरिएबल होंगे। फॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, रेफरेंस होगा। व्हेन वी कॉल द फंक्शन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बिकम रेफरेंस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय पर जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमने यूज किया है वो रेफरेंस बन जाएगा किसका, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का। इफ वी मेक एनी चेंज इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट देन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज अफेक्टेड। अगर हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो डेफिनेटली एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे क्या होएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसी का रेफरेंस क्रिएट हो रहा है हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और रेफरेंस का मतलब ही हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, एलियास या फिर निकनेम, एक ही लोकेशन के दो नाम। दैट्स वाई अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मॉडिफाई करेंगे, उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। सो गाइज कोड में यही यूज कर रहा हूँ, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एन कंट्रोल वी। अभी हमने क्या किया, ये कॉल बाई वैल्यू वाला जो टाइप था इसी को हमने यूज़ कर लिया, यहाँ एक्स ही लिखेंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप फंक्शन कॉल को देख करके कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये कॉल बाई वैल्यू है या कॉल बाई रेफरेंस है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल पास किया जा सकता है, है ना। तो अगर वेरिएबल पास किया हुआ है तो कॉल बाई वैल्यू भी हो सकती है, रेफरेंस भी हो सकती है। भाई रेफरेंस कैसे बनेगा, ये जो एन हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बनाया है ऊपर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड का निशान लगा देंगे। तो अब जब फंक्शन कॉल होएगा, एक्स का रेफरेंस कौन बन जाएगा भाई, एन बन जाएगा। यानी रेफरेंस बनने का मतलब हो गया एन को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक्स चेंज होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बेहतर अप्रोच जो मानी जाती है आर्ग्यूमेंट पासिंग की, या बेहतर जो अप्रोच है वो कौन सी है, कॉल बाई रेफरेंस ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए जो कॉल बाई वैल्यू है इसके अंदर एक्स की जो सेम कॉपी है वो एन में जाकर के स्टोर हो रही है, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर हुआ तो मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट होंगी, जिससे अननेसेसरी स्टोरेज स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होगा। जबकि जब रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो एक्स जो लोकेशन है उसी का दूसरा नाम एन है, एन को अलग से लोकेशन नहीं मिल रही, अलग से स्टोरेज नहीं मिल रही, मेमोरी नहीं मिल रही। इस वजह से कंप्यूटर साइंस में जब भी कहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, इंटरव्यूज में पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है कॉल बाई रेफरेंस टेक्निक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके कंपेरेटिवली, कॉल बाई वैल्यू के कंपेरेटिवली। अच्छा बात हमने करी थी, अब हम एन को चेंज करेंगे तो एक्स भी चेंज होगा, तो फ्लो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेन में आएगा, एक्स वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू 100, देन एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 100, फिर चेंज फंक्शन कॉल हुआ, एक्स को हमने एज आर्ग्यूमेंट भेजा, तो एक्स जो है उसका रेफरेंस बन जाएगा एन, यानी एक्स का ही दूसरा नाम चेंज फंक्शन में क्या हो गया है, एन हो गया है। नाउ हमने एन को एक्सेस किया, एक्स ही एक्सेस हो रहा है, एक्स ही उपयोग में आ रहा है इनडायरेक्टली, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 100 प्रिंट, देन एन बराबर 1000 किया, यानी इनडायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या होगी 1000। इसके बाद में हमने एन को वापस प्रिंट कराया तो एन की वैल्यू 1000, मेन में आएगा वापस, मेन में आकर के एक्स की वैल्यू प्रिंट कराई, यहाँ पे भी कितना आएगा हमारे पास 1000। आइए इसको सेव करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया सेव एंड कंपाइल एंड रन। ओके गाइस, एक्स इज 100, एन इज 100, एन इज 1000, एक्स इज 1000। सो गाइस ये था हमारे पास में आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक्स, या फंक्शन को कॉल करने की टेक्निक्स भी कह सकते हैं इन्हें। होप सो आपको ये तीनों तरीके जो हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने जूनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग शुरू से सीख सकें, स्क्रैच से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।